Layout is also very important in uh, just in time uh, system. Uh, why? because lot of waste can be reduced by uh, reducing the movement between different work centers. uh uske liye basically Joe work centers hai, wo, uh, एक दूसरे के करीब लोकेट किए जाते हैं सो so दैट uh, ज़्यादा ट्रैवल ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े मटेरियल, स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना पड़े एक तो ये है जिसकी वजह से अगेन वेस्ट विल बी रिड्यूस जो मटेरियल फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए कोई प्रॉब्लम ना आए और फ्लो स्मूद हो तो उसके अंदर भी मूवमेंट का बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम uh, uh, ना ज़्यादा आए और वेस्ट डेवलप ना हो uh, इसके अंदर यूजली सेल यूज़ किए जाते हैं फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोडक्ट सेम फैमिली ऑफ प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ग्रुप टेक्नोलॉजी एक मेथड uh, uh, है जिसके बेसिस के ऊपर डिटरमिन किया जाता है कि कौन सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक फैमिली के अंदर उनको कंसिडर किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल बियरिंग है तो बियरिंग का एक पर्टिकुलर साइज जो है उसको वो कंसिडर करेंगे कि ये सेम फैमिली का है मटीरियल सिमिलर होना चाहिए तो उसके अंदर हो सकता है कि फ्राम वन इंच टू फाइव इंच को डायमीटर uh, वाले बियरिंग को वो एक फैमिली में ग्रुप किया जाए और उसके लिए फिर एक ही सेल यूज़ किया जाए जिसमें ये प्रोड्यूस uh, हो सके आसानी से और उसके लिए फिर इक्विपमेंट और सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट सेम होता है तो उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा यू शेप लाइंस यूज की जाती हैं यू शेप के अंदर फायदा यह है कि जो यू शेप है उसके अंदर कम्युनिकेशन लेट्स से देर आर थ्री वर्क सेंटर्स और तीन ऑपरेटर काम कर रहे हैं यू शेप के अंदर एक राइट साइड पर है एक लेफ्ट साइड पर एक सेंटर में है इनके दरमियान कम्युनिकेशन भी बड़ी आसान हो जाती है इसके अंदर ट्रेवल जो टाइम है और डिस्टेंस है वो भी रिड्यूस हो जाता है मटीरियल का तो इसके अंदर यू शेप के अंदर सेल्स जो हैं वो यू शेप या एस शेप के अंदर आ, रखते हैं यूजली यू शेप के अंदर होते हैं और उसके बेस के ऊपर प्रोडक्शन की जाती है आ, और ये जो अपने यू शेप के सेल्स क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं तो एक ही एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा आप इस किस्म के प्रोडक्शन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इन वन एरिया स्मॉल एरिया में लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स और लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस और उसकी वजह से जो स्पेस की वेस्टेज है वो भी एलिमिनेट हो जाती है डिस्टेंस uh, के अंदर मिनिमाइज होता है जैसे मैंने आपको बताया और जो आ, इनके पास वो जो स्पेस है फॉर इन्वेंट्री वो बिल्कुल कम डिज़ाइन की जाती है उसके अंदर उसको नहीं रखा क्यों क्योंकि स्मॉल लॉट साइज की प्रोडक्शन है उसके अंदर इन्वेंट्री हमने नहीं मेंटेन करनी तो उसके लिए हमें स्पेस भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती आ, वर्कर्स की कम्युनिकेशन के इम्प्रूव होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि यू शेप के अंदर होगा तो उनके जो वर्कर्स हैं लट से तीन वर्कर्स हैं तो उनके आपस में कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है आ, इसके अंदर वर्कर्स जो हैं वो क्रॉस ट्रेंड वर्कर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शेप है अगर उसके अंदर लट से तीन वर्क सेंटर्स हैं उसके अंदर प्रोडक्शन जो हमारा साइकिल टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं है तो हम आसानी के साथ एक ही वर्कर से ये तीनों ऑपरेशन कंडक्ट कर लेंगे सिर्फ उसी सूरत में कर सकेंगे कि अगर वर्कर्स जो हैं वो क्रॉस ट्रेंड हुए और वो तीनों ऑपरेशन के अंदर आ, उनके पास एक्सपर्टीज हुई तो वो उ, उस, उ, उस यू शेप के अंदर आसानी के साथ वो हैंडल कर लेगा एक वर्क सेंटर से दूसरे वर्क सेंटर और तीसरे वर्क सेंटर के ऊपर ऑपरेट कर कर जो इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर होती है और ये जो इक्विपमेंट है वो यूजली हम यूज़ करते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं मूवेबल इक्विपमेंट कि आपने इंस्टॉल किया उसको फिर आसानी के साथ मूव कर लिया ये नहीं कि वो उधर फिक्स कर दिया तो उसको अब हम मूव नहीं कर सकेंगे क्योंकि अगर कल को डिज़ाइन में थोड़ा सा भी चेंज आया तो उसको आसानी के साथ हम मूव कर सकें डिस्टेंस रिडक्शन लार्ज लॉट्स के अंदर अगर हम प्रोडक्शन करें तो uh, और अगर हम सिंगल पर्पस मशीन यूज करते हैं उसकी जगह अगर हम स्मॉल लॉट्स के अंदर प्रोडक्शन करें और फ्लेक्सिबल सेल्स यूज करें तो उसकी वजह से हमारे डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ वन होल लाइन बीइंग यूज फॉर प्रोडक्शन हाँ हम शेप के अंदर स्मॉल लाइंस बनाए तो उसके अंदर हमारे जो डिस्टेंस है ट्रैवल का वो अच्छा खासा रिड्यूस हो जाता है आ, जैसे बताया कि शेप के अंदर शॉर्टर पाथ होता है उसका आ, क्या कहते हैं मटेरियल फ्लो का और कम्युनिकेशन भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और इसके अंदर ग्रुप टेक्नोलॉजीज जैसे मैंने पहले बताया था कि वो यूज़ की जाती हैं टू आइडेंटिफाई के कौन से प्रोडक्ट्स को हम एक ही फैमिली के प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे सो so दैट जो हमने सेल्स बनाए हैं वो उस पूरी फैमिली को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी हो और उसके अंदर कोई और इक्विपमेंट मशीन को ऐड नहीं करना पड़े और इसी सेल से हम वो पूरे के पूरे फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें